अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमीर और अमीर कैसे होता जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुन करके उनके पुअर डैडी जो कि वो एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उनको गरीब कहा। ये सुनकर के उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं, देखो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूँ। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लगे, जिसका मतलब ये था कि और इससे ज़्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब दिया जो उनके पिता ने दिया था, उनके डैड ने उन्हें दिया था। बता दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरा पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्त ने एक दूसरे का साथ दिया, बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फार्मूला तो मिल गया। और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की और अपने डैड की गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। अब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था पैसे बना रहा हूँ। तब उनके जो पुअर डैड थे उन्होंने कियोसाकी से कहा कि आओ मुझे तुमसे बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए, साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड जो कि रिच थे वो भी बैठ गए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी में जो कियोसाकी ने अपने रिच को रेफर किया है वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के पुअर डैड ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वो सही था, पर उन्होंने जब जाना कि ये अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी गैर कानूनी, ये बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियोसाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम मुझसे नहीं माइक के डैड से पूछो। कियोसाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते हम गरीब क्यों हैं। कियोसाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है। कियोसाकी ने कहा कि अगर हमें कोई पार्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है।